सहज सेवा, उसमें संकल्प जुड़ जाता है, देश को बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है। लेकिन देश बड़ा होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। हमारा समाज आज इस स्थिति में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे समाज का एक अंग पीछे नहीं है, हम उसके कारण सब लोग पिछड़ गए हैं। ये पिछड़ापन दूर करना है, सबको समान अपने जैसा मानकर सबको सेवा के द्वारा अपने जैसा बनाना है। हम संकल्प कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, उनकी ताकत नहीं है, उनको ऐसी ताकत देनी है कि वो ताकत पाकर वो उस हमारे पूर्णकालिक वनवासी बालक जैसे कहेंगे कि हम पीछे रहे तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं। और पीछे रहेंगे नहीं, आगे आएंगे, वो भी कमाएंगे, वो भी साधन संपन्न होंगे और सोचेंगे कि इसका उपयोग, जैसे पीरामल जी ने बताया था कि किसी की सेवा करने के लिए हमको मिला है, हमको भी जो मिला समाज का हाथ, वो इस समाज की सेवा करने के लिए मिला है। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाले ने एक दिन देने वाले का हाथ ही ले लेना चाहिए, ऐसी अर्थ की एक मराठी कविता है। हमारी ये सेवा, अपनी ये सेवा, हम सबकी ये सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जिनकी हम सेवा करते हैं वो आज उनको मजबूरी में लेने वाला बनना पड़ रहा है, लेकिन कल वो देने वाले बनेंगे और बनते हैं। क्योंकि सौभाग्य से जिस भक्ति आंदोलन का उल्लेख महाराज जी ने किया, उस भक्ति आंदोलन के कारण भारत का समाज ये वास्तविक मनुष्यों का समाज है। उनके अंदर ये करुणा है, केवल संवेदना नहीं है। और इसलिए जब संघ के स्वयंसेवक सेवा करने लगे तो उनको ये भी ध्यान में आ गया कि अपने देश में कोई अकेले हम नहीं है, बहुत लोग बहुत प्रकार से सेवा कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि दूर दूर से लोग आए, हजारों मील दूर से आए, उन्होंने हमारी सेवा की। हम ये नहीं जानते कि उनके आने के पहले से हम बहुत सारी सेवा कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि सेवा, सेवा का जो कारक है करुणा, वो करुणा हमारे धर्म के चार में से एक पैर है। हमारा समाज धार्मिक है, उसके मन में ये करुणा है और इसलिए करते रहता है। परंतु थोड़ा ये जो सहज सेवा है उसको सदिश करना, संपूर्ण विश्व में इस करुणा के आधार पर अगर चलना है, आज जो स्वार्थ के आधार पर चलता है, आज जो स्पर्धा के नाते चलता है, उसके बजाय हम एक कुटुंब है इसलिए अपनेपन के आधार पर, संबंध के आधार पर, करुणा के आधार पर चले, ऐसा करना है तो उसका उदाहरण तो भारत को ही रखना पड़ेगा और उसके लिए भारत को बड़ा होना पड़ेगा। भारत को बड़ा होना है तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वो स्वयं बड़ा हो सके इस स्थिति में लाना पड़ेगा। इस दिशा में इन सारे सेवा कार्यों को सदिश बनाना, समन्वित बनाना। इतने सारे लोग सेवा करते थे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन वो दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? नहीं दिखना एक अच्छी बात है, अहंकार काम नहीं करता। सेवा जितनी गुप्त रहे उतना अच्छा है। लेकिन जिस स्थिति में आज हम हैं, उस स्थिति में ये सेवा दिखती नहीं है, यानी केवल पेपर में नहीं दिखती, ऐसा नहीं है, उसके कुछ परिणाम नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? इसलिए नहीं दिखते कि वो सदिश और परस्पर पूरक नहीं है। वो अगर ऐसे बनेंगे तो ये सेवा अल्पावधि में एक सर्वांग सुंदर, जिसके सब लोग समर्थ स्वावलंबन के योग्य है, परंतु फिर भी अपनत्व को मानकर एक दूसरे पर निर्भर रहकर अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का ये समाज बनेगा।
ऐसे लोगों का समाज जब बनेगा तो दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत होगा। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवः, ये हमारे पूर्वजों का आदेश, उस समय उसका पालन होगा।